हूँ, मैं आपका दोस्त शिव चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहायता के। दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्त जो स्क्रीन पेंटिंग करते हैं, जो नए नए इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो वो हमसे सवाल करते हैं कि जो प्लास्टिक सोल जो इंक होता है उसकी किस तरीके से उसे मिक्स किया जाता है, कितने पैमाने पर उसमें हमें थिनर मिलाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आज उससे रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर हम जो डायरेक्ट इंक आ रहा है उसे, वो जो प्लास्टिक सोल इंक आ रहा है वो डायरेक्ट हम फैब्रिक पे लगाते हैं तो चिपचिपा सा कुछ बन जाता है। दोस्तों यही चीज़ है कि हमको इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ कि हमें जो थिनर आता है, जो ये थिनर आता है, इस तरह की बॉटल आपको मिलेगी, आप कोई भी प्लास्टिक सोल की स्क्रीन प्रिंटिंग की जो भी कोई दुकान होगी वहाँ से जाके आप इसे ले सकते हैं। तो वहाँ पे जाके ये ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से वो मिलाया जाता है, क्या रेशियो रहता है और किस तरीके से हमारा इंक दिखना चाहिए जब ये थिनर मिल जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब हमारा जो कलर है, हम एक जो मिक्सिंग हमें जिसमें करना है वो बाउल में हम कलर निकाल लेते हैं। जितना हमें ज़रूरत है उतना हमें निकाल लेना है, क्योंकि ये जो कलर का पूरा जो डिब्बा आता है वो करीब 1 किलो का होता है, तो हम सभी कलर उसमें एक साथ ही मिक्स नहीं कर सकते, तो हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही कलर हमें इसमें यूज़ करना है, लेना है। ये हमने कलर ले लिया, इसे अब हम पैक कर लेते हैं। अच्छे से इसे हमें सील पैक करना है, सनलाइट से इसे दूर रखना है, नहीं तो कलर का जो लाइफ होता है वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो हमारा कलर है ये बहुत थिक है, आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ही थिक है, तो इसको हमें पतला करना है। पतला कितना करना है, बहुत सारे हमारे मित्र सवाल करते हैं कितना हमें करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जो बटर होता है, बटर जब आप वो रूम टेम्परेचर पे लेके आते हो तो जितना पतला हो जाता है वो हिसाब से हमें इसे इतना पतला करना है, यानी जितना जब भी ये कपड़े पे लगे तो खूब अच्छे से वो कपड़े पे स्प्रेड हो जाए। और स्प्रेड होने की वजह से क्या होता है, कलर पूरे कपड़े में अच्छे से बैठ जाता है और जो भी डिज़ाइन या पैटर्न है आपका वो बहुत निखर के आता है। देखिए ये हमें इसे कर रहे हैं, बहुत ही थिक कलर है, अब ये धीरे 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 ये लूज होते जाएगा। ये बहुत लोग सवाल करते हैं कि हमें कितना कलर मिक्स करना है, कैसे मिक्स करना है, क्या चीज़ से मिक्स करना है। तो आप जो भी स्क्रीन प्रिंट की दुकान होगी वहाँ पे आप जाके प्लास्टिकोल कलर उसका थिनर अगर ऐसा बोलेंगे तो आपको दे देंगे। कलर बहुत ही थिक है दोस्तों, हमें इसे पतला करना पड़ेगा, खूब हमें इसे चलाना पड़ेगा। कलर जितना ही स्मूथ होगा उतना ही कलर आपका डिज़ाइन पे बैठेगा। देखिए अभी हल्का लगभग ये 40% हो चुका है, तो इसे अभी हमें और पतला करना है दोस्तों। इसे फेंटना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फेंटने से क्या होगा, जो हम ये थिनर डाल रहे हैं ये इसमें अच्छे से मिक्स होगा। आप देखिए दोस्तों, अभी भी इसको और करना है। आपकी ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी टी शर्ट प्रिंटिंग की पूरी सीरीज चालू है, जिसमें हम स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे किया जाता है वो हमें बता आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जिनकी भी किसी भी जो हमारे मित्र हैं, अगर उन्हें स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीन चाहिए तो वो भी हम दोस्तों अवेलेबल करा के देते हैं।
तो ये मशीन जो दोस्तों वो करीब हम जो चार तरह की चार मॉडल के बेचते हैं, सिंगल स्टेशन, सिंगल कलर, यानी ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं इसको स्टेशन कहा जाता है, ये सिंगल कलर मतलब सिंगल स्टेशन रहेगा, और ये आप जो ये फ्रेम देख रहे हैं, ये जो फ्रेम आ रहा है, तो ये फ्रेम रहेगा वो सिंगल रहेगा, यानी सिंगल स्टेशन सिंगल कलर। तो ये जो मशीन है दोस्तों ये सिंगल स्टेशन फोर कलर है, अभी आप देखेंगे ये फोर कलर है, यहाँ पे एक, ये दो देख रहे हैं आप, यहाँ पे तीन और ये चार, तो ऐसे ये चार कलर आप एट ए टाइम एक टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो मशीन है वो सिंगल स्टेशन फोर कलर है। ऐसा दूसरी मशीन आती है टू स्टेशन, यानी एक स्टेशन यहाँ रहेगा और एक स्टेशन उस तरफ रहेगा, उसके अपोजिट साइड में वहाँ पे रहता है। तो कैसा है कि दो आदमी एक साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो टू स्टेशन फोर कलर हो गया। ऐसे ही दूसरी एक मशीन आती है फोर स्टेशन फोर कलर, वो इससे बड़ी होती है, उसमें स्टैंड भी आपको मिलता है। तो जैसे ये पैलेट आप देख रहे हैं ऐसे ये चारों साइड में वो पैलेट रहते हैं, यानी एक साथ में चार आदमी काम कर सकते हैं। तो ये मशीन अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो मुझसे सवाल करते हैं कि सर आजकल जो ब्रांड हम देख रहे हैं मार्केट में, तो वो कौन सी प्रिंटिंग किया जाता है, और हमें जो प्रिंटिंग है वो अच्छी क्वालिटी का भी चाहिए, लॉन्ग लाइफ भी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो हम अपने प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जो भी प्रिंट करता है उसको सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग में फ़ायदा होता है। तो यानी इसमें जो खर्चा आता है प्रिंटिंग का वो बहुत कम आता है, बट जहाँ मार्जिन की बात आती है उसमें ये सिमिलर ही रहता है सभी लोगों जैसा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई प्रॉफिट की बात। और अब जो दूसरा सवाल था हमारे जो दूसरे मित्र पूछ रहे हैं कि जो आजकल इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होंगे बहुत ब्रांड हैं वो अपना प्रमोशंस कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों जो टिकाऊ प्रिंटिंग कहा जाता है 100% कॉटन पे वो होता है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग ही सक्सेस है 100% कॉटन पे, आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है कि क्या रहता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, तो जो अभी ये आप ये मॉडल देख रहे हैं इससे बड़े बड़े मॉडल होते हैं, जैसे ये वन स्टेशन फोर कलर है या फोर स्टेशन फोर कलर है, तो वो एट स्टेशन एट कलर होता है, 16 स्टेशन 16 कलर होते हैं, यानी बहुत बड़ी मशीन्स हो जाती हैं। फिर कुछ उसमें सेमी ऑटोमेटिक आती हैं कि जो 3 लाख से लेके आगे 10-10 लाख रुपए तक की मशीन होती हैं। तो दोस्तों उसमें प्रोडक्शन भी उतना चाहिए, हम मशीन लेके कुछ ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन अभी यही जो आप मशीन यहाँ सामने देख रहे हो, दिन का आप आराम से अगर 8 घंटा आप काम करोगे तो इसमें आराम से 200 पीस आप मार सकते हो, फिनिशिंग कर सकते हो, यानी प्रिंटिंग के साथ में उस पर प्रिंटिंग करने के साथ वो टी शर्ट पूरा हीट प्रेस लेके और पैकिंग तक पूरा आप कम से कम 200-250 टी शर्ट 8 घंटे में काम कर सकते हो ये मशीन के ऊपर। तो आप सोच लीजिए दोस्तों कि वो जो मशीन हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन हैं, उनका प्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये बातें हो गई स्क्रीन प्रिंटिंग की। फ़िलहाल हम देख लेते हैं हमारा जो कलर है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ हो चुका है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें और ये थिनर डालेंगे, थोड़ा सा और इसे हमें लाइट करना है, कुछ और अगर दोस्तों सवाल रहे तो ज़रूर आप मुझसे पूछिए। दोस्तों जो मशीन्स आप मुझसे ख़रीदेंगे वो मशीन्स लेने के बाद दोस्तों आपको एक अगर समझिए स्क्रीन प्रिंटिंग नहीं आती है तो एक दिन की आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर आप समझिए कहीं दूर रहते हैं तो आपको इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है। कुछ भी अगर आपको मशीन्स लेने के बाद समझो कुछ एक्सपोजिंग में या प्रिंटिंग में या जैसे ये मिक्सिंग हम कर रहे हैं या फिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो आप फ़ोन पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारा ये परफेक्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग क्या करते हैं कि थिनर है विदाउट ये थिनर मिक्स किए हुए टी शर्ट पे प्रिंट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि टी शर्ट के ऊपर एक चिपचिपा सा ये इंक बैठ जाता है और टी शर्ट पे प्रिंटिंग सही तरीके से नहीं आती, देखने में भी गंदा लगता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।